ब्रेक के बाद बड़ी खबर पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। लिखित परीक्षा के 6 यूनिट्स के परिणाम घोषित हुए। सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर के परिणाम अब घोषित हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुलिस मुख्यालय से। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आखिरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है और किस तरह की अब जो अभ्यर्थी थे जो परिणाम का इंतजार कर रहे थे उनमें खुशी है? बिल्कुल ज्योति, ये बड़ी खबर है क्योंकि ये जो परीक्षा थी इसमें 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे, बेरोजगार अभ्यर्थी जिन्होंने नौकरी की तलाश में आवेदन किया था, लिखित परीक्षा दी थी और इन लोगों का जो रिजल्ट था वो फरवरी में ही आ जाना था, लेकिन हुआ ये कि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इस पर ये कहते हुए स्टे लगा दिया कि आप राज्यवार मेरिट बनाइए। और अभी तक होता यह है कि जिलेवार मेरिट बनती है, लेकिन जो हाई कोर्ट की एकल पीठ है उसने ये कहा कि राज्यवार मेरिट बनाइए और जब तक राज्यवार मेरिट नहीं बनती तब तक ये जो भर्ती का रिजल्ट है या घोषित नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से डबल बेंच में अपील की गई और कल का जो दिन था यानी कि बुधवार, कल डबल बेंच ने एकल पीठ का जो आदेश था उसको स्टे कर दिया था और जब वो आदेश स्टे हुआ था तभी ये तय हो गया था कि अब जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तैयारी पूरी थी, रिजल्ट्स तैयार थे और काफी जो आप समझ सकते हो जब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो तो कितनी बड़ी तादाद प्रदेश में युवाओं की है जो इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आए। तो हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जो डबल बेंच के आदेश थे उसके बाद राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने आज से प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 यूनिट्स के रिजल्ट आज घोषित किए गए हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 5 से 7 दिनों में ओवरऑल पूरे प्रदेश के जितने भी जिलों के अभ्यर्थी थे उन सभी के जो नतीजे हैं वो घोषित हो जाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया ये रहेगी ज्योति कि जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास होंगे उनका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और वो प्रक्रिया है वो भी पुलिस मुख्यालय की ओर से जल्दी शुरू की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर है कि एक स्टे जो था उसके हटने के बाद पुलिस मुख्यालय ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है और उनकी लिखित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शिवेंद्र, देखिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 15 लाख अभ्यर्थी जो थे जो कि बेरोजगार हैं और लगातार इस परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी की थी और एग्जाम देने के बाद सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को यही इंतजार होता है कि समय रहते उसका परिणाम जारी हो जाए। और देखिए कहीं ना कहीं जो आगे का प्रोसेस है उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द पूरा हो और उन्हें नियुक्ति भी दी जाए। बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय की तरफ से पूरी तैयारियां हैं क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है लंबे समय से चल रही है, अगर अभी तक हाईकोर्ट का स्टे इस प्रक्रिया पर नहीं आता हो सकता है कि कई जिलों में जो मेडिकल और फिजिकल का प्रोसेस था वो भी शुरू हो गया होता, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट से राहत मिली है तो पुलिस मुख्यालय की भी कोशिश यही है। डीजीपी एमएल लाकर खुद इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी इन लोगों के आगे के जो प्रोसेस है उसकी ज्योति। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा की 6 यूनिट्स का नतीजा घोषित हो गया है और जिन युवाओं ने जिन लोगों ने नौकरी की इच्छा रखकर नौकरी की उम्मीद लगाकर एग्जाम दिया था वो आज आपसे खुश है, प्रसन्न है, हैप्पी है। जी शिवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।